बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त बादशाह पानी खान बिताफी, और आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग हमारी ईद के लिए होगा, और मैंने ये आज का एक कमीज़, ये कोई शेरवानी वगैरह हो कहते हैं, याद नहीं, तो चुनरी, चुनरी कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो आपके साथ ही हैं हम। जो भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो अभी हमारी तैयारी है, तो हमारे दोस्त अभी पीछे भी कुछ रहते हैं और ये भी हैं, तो हम उनका इंतज़ार करें, और जब वो आएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप तो मुझे तो आप जानते होंगे भाई, आप भी कुछ कह दें भाई। ईद मुबारक यार, कहना भूल गया था कसम से। ठीक है, क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक ही होंगे भाई, उनको क्या होने वाला है। तो ईद मुबारक ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं भी, और ये भी, और हम रास्ते यार पूरे ग्रुप वाला एक एक बारी देगा ना, तो माशाल्लाह वो बना लेंगे भाई, वो बना लेंगे। तो हम इंतजार में देखते कब आएंगे। तो अभी हम मीरपुर माथेरो की, मीरपुर माथेरो की सिटी में, वो पीछे आ रहे हैं मीरपुर माथेरो। कोरोना का कोई भी यहाँ पर SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है, SOPs पर अमल कुछ भी नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये हमारे दोस्त पीछे, हमारे दोस्त पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल डलवा कर तैयारी है, और सामने होटल भी है खोसा प्याला होटल। तो अभी हमारी तैयारी है घोटकी की जाने, देखते हैं घोटकी में कौन कौन सी सिटी में हम जाएंगे। लेकिन कोशिश होगी ये व्लॉग छोटा बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बोरिंग भी होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोशिश होगी कि बोरिंग नहीं बनाएंगे। अभी हम जाएंगे घोटकी, तो घोटकी के बाद जो भी हुआ हम वो आप। दिस इज फरहान खान, लारिफ खान। ओ अभी हम जा रहे हैं सफारी पार्क पर, मेन रोड की दूसरी साइड, मेन रोड की दूसरी साइड जाएंगे वहाँ से। तो अभी जा रहे हैं सफारी पार्क पर, देखते हैं अगर खुला होगा तो हम दिखाएंगे, अक्सर बंद होता है, तकरीबन कई बार गए हैं हम, बंद होता है कोरोना की वजह से। तो गेट पर पहुंच चुके हैं हम, और अभी इंटर हो रहे हैं, आगे देखते हैं खुला है या नहीं, और कुछ हालात ऐसे हैं आपके सामने हैं। एंट्री हमारी होने लगी है, थोड़ा एक और मेन गेट है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये रास्ता कुछ इस तरह है, खौफजदा रास्ता है, और ये हमारे साथ हैं अभी दो आगे हैं, जिन्होंने हमें अच्छी खासी, जो कि क्या कह रहे हैं, धूड़ के धूड़ यार, जो भी है मिट्टी, बस मिट्टी लगाई है, मिट्टी दस इनका चेहरा देखे भाई, और ये साहब इसका नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि इसके हालात कुछ ऐसे हैं। सफारी पार्क क्लोज था, तो हम उनके जंगल में अभी जा रहे हैं। हम दो बार यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, दोनों बार क्लोज था ड्यू टू द कोरोना वायरस, और अभी हमारा सफ़र आगे है सफारी पार्क से, बहुत बड़ा जंगल है, हम दिखाएंगे जब भी, लेकिन हमारी कुछ हालत इस तरह है। तो गाइस फाइनली हम इस जंगल में पहुंच चुके हैं, ये जंगल आपके सामने, और हमारा ग्रुप यहाँ पर, हाँ नाम नाम किसका जंगल का, सफारी पार्क, सफारी पार्क के कुछ आगे है भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं ये तो सफारी पार्क है भाई। तो फिर ये मतलब कि पार्क जा रही है, लेकिन मेन पार्क वो बंद है, ये झूठ बोल रहा है, ये सफारी पार्क है, मेन पार्क वो बंद है ना भाई, मेन पार्क तो है, चल जो भी है भाई आपको, चल ठीक है। लेकिन अब हम इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सारा जंगल है, और कहें कुछ क्या कह रहे हैं, ये सारा मुर्शिद ग्रुप जिंदाबाद, यहाँ हमारी आवाज होगी थोड़ी दूर तक, मुर्शिद ग्रुप जिंदाबाद। वो एक बंदा घूम है हमारा, वो एक बंदा घूम भाई, वो पता नहीं, वो इधर इधर गए, वो इस साइड में, लेकिन खैर है कंटिन्यू हमारे व्लॉग, देखते हैं कब तक
बाहर का व्यू मैंने दिखाया था आपको पहले, लेकिन ये अंदर का व्यू है। ये अंदर इतना जंगल है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने ब्राइटनेस ज़्यादा करके रखी है, सफ़ेदे नहीं नज़र आ रहे, सफ़ेदे कहते हैं आई थिंक, और वो भी सफ़ेद ही नज़र आ रहे हैं। और ये है, और वो जो हैं वो हमारे दोस्त वहाँ हैं, और मैं यहाँ पर हूँ। ये आपके सामने मनाजिर है। अगर यहाँ पर कोई अकेला बंदा आए तो आई थिंक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर पानी था, लेकिन इस बार पानी नहीं है। ये देखें बहुत लंबे लंबे सफ़ेदे हैं, और ये बहुत यहाँ पर जो अकेला बंदा है ना, आई थिंक मुश्किल है उनके लिए यहाँ से गुजर जाना। ये रास्ते अजीब अजीब अजीब, पुराने ज़माने की बात है। कहते थे कि यहाँ पर वो जो चोर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं, वो यहाँ रहते थे। आई थिंक हो सकता है अभी भी रहे हों। लेकिन हमें ऐसे व्लॉग बनाते बनाते एक चीज़ मिली, वो देख रहे हो, वो पहाड़ी माखी। कमाल की भाई, कमाल की। जूम करना। हाँ जूम कर लेना। ओ ये वाली आपको नज़र आ रही है, वो ये अभी छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। आई थिंक ये अभी बैठी होगी। और ये हमारे साथ है मुदस्सर, क्योंकि अकेले में आना यहाँ पर बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो ये है आपके सामने, कभी आप भी आएँ यहाँ पर मनाजिर आप देख सकते हैं। यकीन नहीं आता तो ये सफारी पार्क के थोड़ा आगे जाकर यू टर्न लेना होगा और सीधा यहाँ पर। लेकिन अभी हम जा रहे हैं घोटकी की जानब। घोटकी तो सेल्फी निकालते हैं, लेकिन अभी हम घोटकी की जानब जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फ़ोटो निकालेंगे। और ये ऑलरेडी कैमरे की इंतज़ार में रुका है। हाँ निकालेगा कौन। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। शायद मैं दूसरा व्लॉग अभी बनाऊँ, क्योंकि जितना कम होगा उतना मज़ा आएगा। अगर बनाए तो वो भी अपलोड कर दूँगा, लेकिन उससे पहले ये मंदिर है। हम अभी जो है कि सफारी पार्क को अलविदा कर रहे हैं। अभी दोस्त मैं गया था उनके फ़ोटो निकालने, तो मैंने फ़ोटो उनके निकाल लिए हैं। तो इसी के साथ इसी के साथ ब्लॉग करते हैं ख़त्म। हमेशा मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और ईद उल फितर मुबारक हो।